नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 अपनी वस्तु का दूसरा भाग पढ़ रही हैं। बच्चों, भाग प्रथम में आपने पढ़ा कि एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे होते हैं। उन्होंने दो भाइयों के लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वे रुक जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों भाई किस बात पर लड़ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वे दोनों भाई भूमि के बंटवारे को लेकर, भूमि के स्वामित्व को लेकर लड़ रहे होते हैं। महात्मा जी कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाया जाए। समझाने के प्रयास के अंतर्गत वे दोनों भाइयों से उनके घर से खाना मंगवाते हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि महात्मा जी दोनों भाइयों को किस प्रकार समझाते हैं। देखिए, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। जब वे दोनों भाई घर गए और घर से भोजन बनवा कर लाए, उसके बाद महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने सामने बैठ जाने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। बच्चों ध्यान दीजिए, भोजन के कितने भाग किए? 3 भाग। 3 भाग क्यों किए? कि एक भाग तो वो स्वयं खाते और बचे हुए 2 भाग वो उन दोनों भाइयों को खिलाते, और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। बच्चों कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। तब तक दोनों भाइयों का आधे से ज़्यादा क्रोध तो शांत ही हो गया। देखिए, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। महात्मा जी बहुत ही चतुर थे, उन्होंने इन सब कार्यों में 2 घंटे लगा दिए। तब तक क्या हुआ? दोनों भाइयों का क्रोध बहुत हद तक शांत हो गया। बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो और हम उसे समझाने का प्रयास करें, तो वह प्रयास व्यर्थ चला जाता है। महात्मा जी ने यहाँ पर चतुराई दिखाते हुए पहले उन दोनों का क्रोध शांत करने की कोशिश की कि उनका क्रोध कम हो जाए। फिर जब क्रोध कम हो गया, तब उन्होंने समझाने का प्रयास करना शुरू किया। देखिए किस तरह से समझाया। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, प्रार्थना की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी ही नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। बच्चों देखिए, जब गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें समझ में आ गया कि यह भूमि तो कुछ नहीं बोलेगी, महात्मा जी आप ही हमारा निर्णय कर दो कि क्या होना है। देखिए, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं, यानी हम इस भूमि से पूछेंगे कि यह भूमि किसकी है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। बच्चों, फिर ऐसा कहकर महात्मा जी ने अपना कान भूमि की तरफ लगाया और ऐसा लगने लगा कि भूमि मानो उनसे कुछ कह रही हो। फिर देखिए, कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। यानी कुछ देर तक तो उन्होंने अपना कान भूमि से ऐसे लगाए रखा और भूमि की बात को सुनते रहे, और उसके बाद एकदम से ज़मीन पर बैठ गए सीधे और गंभीर वाणी में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। बच्चों क्या कह रही होगी? देखिए, दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। यानी भूमि क्या कह रही है कि ये दोनों भाई आपस में व्यर्थ ही लड़ रहे हैं, मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, यानी मैं तो इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। कहने का मतलब है कि इनकी कई पीढ़ियों ने मेरे ऊपर हल चलाया है, अनाज उपजाया है, जिससे कि इनका पेट भरा है। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, जाते हुए यानी मरते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की, यानी महात्मा जी को समझ में आ गया कि दोनों भाई समझने की स्थिति में हैं, इसलिए उन्हें समझाते हुए बोले,
तनिक विचार करो, यानी थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? यानी जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बन पाई है? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, व्यर्थ यानी बेकार, यत्न यानी कोशिश करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। यानी कि मनुष्य ना तो अपने साथ कुछ लेकर आता है, ना कुछ लेकर जा सकता है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? बच्चों, बड़े बड़े राजा जब इस दुनिया में आए, तब उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर बहुत सारी भूमि को अपना बना लिया, बहुत सारे राज्यों पर अधिकार जमा लिया, लेकिन क्या वे उन राज्यों को अपने साथ लेकर जा सके? नहीं बच्चों, वे इस दुनिया से खाली हाथ ही गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार में चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हो। देखिए महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। कहने का मतलब है कि यह भूमि ना तो पहले कभी तुम्हारी थी, ना यह कभी तुम्हारी बन पाएगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। महात्मा जी उन्हें समझा रहे हैं कि घर, मकान, जमीन, जिसे तुम अपना अपना कहते हो, यह कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अगर देखा जाए तो तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे पास जो चीज़ है, वह भजन भक्ति है और अच्छे कर्म है। यानी तुम इस दुनिया में आकर जितने अच्छे कर्म कर सकते हो, वह सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे और कुछ नहीं। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जिन चीज़ों के लिए, उन पर से ध्यान हटाकर इस दुनिया में आए हो, तो अच्छे कर्म करो, अपने कार्य ऐसे बनाओ जिससे कि दूसरों की भलाई हो सके, और नाम सुमिरन करो, यानी भगवान का नाम लो। देखिए, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। कौन सी भूल के लिए? कि वो दोनों व्यर्थ ही भूमि के टुकड़े के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। कहने का मतलब है, उस दिन के बाद जब महात्मा जी ने उन्हें अच्छे से समझाया, तब से वो अपना जन्म अच्छे कार्यों में लगाने लगे, अपने हाथों से अच्छे अच्छे कार्य करने लगे, इस बात का ध्यान रखने लगे कि उनसे किसी का भी बुरा ना हो। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय का पार्ट 3 अपनी वस्तु की कहानी पढ़ी, जिसमें कि आपने देखा कि महात्मा जी ने कितने सुंदर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से दोनों भाइयों को समझाया तथा नई राह दिखाई। बच्चों, आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने भाई बहनों के साथ, पूरे लोगों के साथ प्यार से रहना है। नमस्कार बच्चों।